काफिला आज आ पहुंचा है शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा सीट पर। करेरा विधानसभा 1977 में अस्तित्व में आई थी, जब से अभी तक यहां कुल 11 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 7 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, 3 बार यहां बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं तो 1 बार बीएसपी के प्रत्याशी ने यहां जीत हासिल की है। करेरा विधानसभा सीट के क्या है दावे वादे और किस तरह की ये विकास की तस्वीर, इसको जानने के लिए चलते हैं करेरा विधानसभा सीट। पहले सड़कें बना दी, फिर बनेंगे खोद दी के जो मतलब लंदन ने जो उन्हें सड़कें मिटा दी। हाँ विकास ना तो टैक्सी स्टैंड है ना बस स्टैंड है, कुछ भी नहीं है यहाँ ना तो टैक्सी स्टैंड। रोज का ये नियम है कहीं यहाँ से वहाँ वहाँ से ऐसे सब्जी मंडी का है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ कभी इस तरफ ऐसे भगा दे रहे थे, कोई स्थायी जगह कुछ नहीं है। विधायक सीट नहीं हुआ है वैसा, थोड़ा जरा पंचायत ने जुड़ी किया है विकास, अभी सड़कें बढ़ के बनवाई है, अभी पाइप लाइन डल रही है तो जरूर खुदी है तो उसमें भी समस्या आती है, अभी तो पुरानी नल लाइन थी अभी नया निर्माण हो रहा है। हर जगह तरक्की हो रही है, यहाँ तो करेरा में कुछ नहीं है, बल्कि सब में बड़ी तहसील है करेरा, इसमें कोई रोजगार ही नहीं है और 365 लोग के गाँव के यहीं बसे हैं, जो देखो 4 पहिए का धंधा पानी बस मजदूरी है और कुछ नहीं है। सरकारी नहीं है यहाँ पे सरकार, विधायक जी कांग्रेस के हैं, अगर सरकार होती कांग्रेस तो विकास होता यहाँ पे। विधायक जी वगैरह आते नहीं? आते कभी। अच्छा अभी आप सरकार ने योजना शुरू की लाडली बहना और ये मिला तो आप फार्म डालेंगे तो सेक्रेटरी काम नहीं करेगा, सेक्रेटरी बोलता है कि हम नहीं कर सकते काम, ना बैंक वाले का जो काम करने जाते हैं सो करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? हाँ हमें तो आई नहीं है पैसे, विकास मकास तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बीजेपी से पैसा आया था वो वापस और चला गया यहाँ से, कांग्रेस की सरकार आ गई थी यहाँ पे बस तो चला गया वापस। दो पार्टियां हैं, अध्यक्ष कोई दूसरी पार्टी का है और विधायक दूसरी पार्टी का है, दोनों में समंजन नहीं है आपस में, दोनों में एक दूसरे में नहीं है, बनती नहीं है, जनता बीच में पिसती है। सर मुझे तो नहीं लगता है खास अच्छा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की नालियाँ सड़कें वगैरह अच्छी नहीं है, खास अच्छी नहीं है, क्योंकि हम लोग की जब गाड़ियाँ आती है ना तो इतने दचके रहते हैं कि हम लोग का माल ही टूट जाता है आधा। तो सच चुका है यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज़ 18 के कहता है वोटर का ये मंच, और यहाँ हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। मेरे बगल में यहाँ सत्ता से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वहीं इस तरफ अगर देखेंगे तो कांग्रेस के लोग हैं जो लगातार 3 बार इस विधानसभा सीट पर चुनाव जीत चुके हैं। इसके साथ कुछ आम लोग भी है, स्थानीय निवासी भी है, वो लोग भी यहाँ हमारे साथ बातचीत में शामिल होंगे। सबसे पहले आम लोगों से बात कर लेते हैं। करेरा विधानसभा सीट, करेरा कितना बदला है, कितना क्या विकास हुआ है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? करेरा लगातार 15 साल जब से सीट हुई है तब से यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, यहाँ लगातार 3 बार जो विधायक चुने हुए हैं, चाहे रमेश गड्डीक हों, जसवंत जाडव हों, शकुंतला गड्डीक हों, यहाँ बीते 15 सालों में ऐसा कोई एक विकास कार्य नहीं हुआ जो जनता के सामने रखा जाए कि कोई सिंगल काम नहीं हुआ यहाँ पे। क्यों काम नहीं करा पाए आप लोग? हमारे विधायक जी ने कांग्रेस के कार्यकाल में हमारे यहाँ पे प्रतीक्षालय बनाए गए हैं, हमारे यहाँ जो काना में गाँव में पुलियाँ थीं उनका पुलियाओं का ठेका होके पुलियाँ बनाई गई हैं, और कांग्रेस ने पहले जसवंत जाटव भी विधायक थे उनने भी काम करवाया, और फिर शकुंतला जी भी विधायक थी कांग्रेस की उनने भी काम करवाया, और आज प्रागी लाल जी हैं उन्होंने भी जनता का जो भी काम है, और हमारा सोन चिरैया का हमारे विधायक जी ने उठाया था, सोन चिरैया का भी हमने सोन चिरैया ख़त्म करवाई, और जो गधाई का रोड है वो भी हमारे विधायक जी ने विधानसभा क्वेश्चन लगाया। तो जनता का कहना है कि कांग्रेस भाजपा ने काम नहीं कराया है, कांग्रेस का कहना है कि हमारे विधायकों ने काम कराया। लगातार 20 वर्षों में केवल 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दिया है तो लगातार काम हुए हैं। ग्रामीण सड़कों की बात तो मैं इसलिए नहीं करूँगा कि एक भी राजस्व ग्राम ऐसा नहीं है जहाँ डंबर की पक्की सड़क ना हो,
चूंकि ये अटल जी के समय से पुरानी योजना हो चुकी है, लेकिन उसके बाद हमने थनरा से लेकर लेदा तक, करेरा ये मछावली होकर बिलारी तक, उसके बाद अभी सुनारी की सड़क बन रही है और इधर ये टीला से लेकर 25 किलोमीटर चौड़ी साजौर तक जोड़ने के सड़कों का जाल बाहर बाहर बिछा दिया आपने करेरा में। हमारे सहयोगी अशोक अग्रवाल है जो लगातार शिवपुरी में कवरेज करते हैं। अशोक जी, क्या तस्वीर देखते हैं आप करेरा विधानसभा के विकास की और दावे वादों की? देखिए सुशील जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ शिवपुरी जिले की ये बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, करेरा विधानसभा सीट। यहाँ का एक सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, यहाँ के 28 गांव हैं जो विधानसभा की दृष्टि से तो करेरा विधानसभा में आते हैं, लेकिन उनके जो भी काम है प्रशासनिक दृष्टि से वो दतिया में आते हैं, जिसके कारण वो पिछले कई दशकों से परेशान चल रहे हैं। इसकी सुनवाई ना तो सत्ताधारी दल भाजपा ने की, ना कांग्रेस जिसके विधायक रहे उन्होंने की। तो ये 28 गांव पूरी तरह से इस विधानसभा में होते हुए भी पूरी तरह से विकास के कोसों दूर हैं। तो 28 गांव सबसे बड़ा मुद्दा है, 28 गांव सबसे बड़ा मुद्दा है, क्यों अभी तक आप लोगों ने पहल नहीं की? प्रशासन दतिया में, विधानसभा, लोकसभा, ग्वालियर में, तो कैसे दिक्कतें होती है लोगों? नहीं नहीं, हमने 28 गांव की कई बार हमारे विधायक जी ने मुद्दा उठाया है, उसके लिए उनके वोट यहां डलते हैं, उनका काम वहां होता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे विधायक जी की कम सुनी जाती है। जो कि पहले ज़माना था विपक्ष को सुनता था, लेकिन अब विपक्ष को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और व्यक्तिगत तौर पर सरकार ये बोल दी जाती है कि जो विपक्ष का विधायक है उसकी सुनवाई प्रशासन स्तर पर बिल्कुल ना की जाए। तो 28 गांव का मसला है, कांग्रेस ने तो आप पर टाल दिया कि सरकार है सुनती नहीं है विधायक कांग्रेस के, इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमारी चाची ने जो सोनचरैया अभ्यारण की बात की है, सोनचरैया अभ्यारण के लिए माननीय हमारे तत्कालीन हमारे जो अभी कृषि कानून मंत्री हैं माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर के अथक प्रयास से ये सोनचरैया अभ्यारण का लगातार वो प्रयास करते रहे। उनने 5-6 साल प्रयास किया और उनने जाकर के जब केंद्र सरकार से उसको करवा के और सोनचरैया अभ्यारण हटवाया। और माननीय जो मैडम जी ने कहा है कि हमारे विधायक जी जो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने प्रतीक्षालय, आप देखिए प्रतीक्षालय बनवाए जहाँ पशु बैठ रहे हैं उसमें, जहाँ कोई आवागमन का साधन नहीं, ऐसी जगह प्रतीक्षालय बनवाए हैं सिर्फ यहाँ नगर पंचायत है, नगर पंचायत के विकास के लिए 1 रुपये भी नहीं दिया गया। पशु 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 बैठे हुए हैं नगर पंचायत में, आप देखें बस स्टैंड पर इस तरह। सबसे पहले तो मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को बताना चाहता हूँ कि ये सोनचरैया का मुद्दा कहते हैं कि सोनचरैया हमने हटाई, वास्तविकता में यह है कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने 2018 में, 7 जुलाई 2019 को माननीय कमलनाथ जी ने इस सोनचरैया जो 32 गांव इसमें प्रतिबंधित थे, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इसमें 50 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से सोनचरैया के नाम पे अधिकारी और कर्मचारी इसको बंदरबांट किया करते थे, जिसको हमारे नेताओं ने RTI लगा के जिसकी जानकारी ली और हमारे माननीय कमलनाथ जी ने इसको डी नोटिफाइड करके कमलनाथ जी ने डी नोटिफाइड कराया। और आपके शासन काल में तो जो है रुपये खर्च होते रहे सोनचरैया के नाम पर। मैं अपने कांग्रेस के मित्र और मेरे भाई मान सिंह फौजी जी को ये बताना चाहता हूँ कि ये सोनचरैया अभ्यारण का जो मसला था करेरा की, एक गहरी मैती समस्या थी। यह जब से सुप्रीम कोर्ट में डी नोटिफाई था और वहाँ से अब आदेश होना था, इसमें हमारे केंद्र के माननीय नेता नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब ने इसमें विशेष आप ये बताइए कि लगातार घोटाले भी होते रहे उसके नाम पर। अब ये तो अपन कैसा, आप कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं घोटाले होते रहे हैं, मेरा ऐसा मानना नहीं है कि अभी कोई घोटाले का कोई सिस्टम ही नहीं रहा उसमें। आप ये बताइए कि इन्होंने कहा कि तीन पंचवर्षीय से विधायक कांग्रेस का था, तो कांग्रेस के काम नहीं हो पाए तो कह देते कि हमारे सरकार जीती हो, काम नहीं करा पाए सो बोले नहीं हो पाते हैं सो उनको बामे चले जाते हो, आरोप अपन बना। और जबकि सोनचरैया अभ्यारण केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्होंने सारा डी नोटिफाई किया और सोनचरैया अभ्यारण उसकी ये तारीफ करके हमने कराया, और जो नहीं होते उन पर क्या कहते हैं कि जो हमारे सरकार नहीं थी इसलिए नहीं हुआ। अच्छा कांग्रेस जो काम सरकार करा देती है उनका श्रेय आप ले लेते, जो आपसे हो नहीं पाते आप उनको बीजेपी पे टाल देते, इस तरह का आरोप बीजेपी का? नहीं, बात ये नहीं है। असल में क्या है, यहाँ कांग्रेस की स्थिति शुरू से ही बहुत मजबूत है, 2013 में भी जीते, 18 में भी जीते, आरोप 20 में भी जीते। आप सुनिए एक मिनट, 2020 में जसवंत जाटव जी हमारे कांग्रेस से ही विधायक थे और उनके विधायक कार में माननीय जयवर्धन सिंह जी यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पार्क और इस शहर को चारों तरफ रोड से जोड़ने के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत किए थे,
लेकिन जैसे ही जसवंत जाटव जी चुनाव हारे और प्रागी लाल जी चुनाव जीते तो वो करोड़ों रुपए ऑन रिकॉर्डेड है जो इन्होंने वापस मंगा लिया और ये करेरा के विकास बीजेपी ने विकास जो है रोक दिया। आपका विधायक अगर हारा उपचुनाव में तो आपने बैन लगा दिया पूरा। ये सब गलत आरोप है। बीजेपी के शासनकाल में ये सब योजना मंजूर हुई थी, ये कांग्रेसियों का बिल्कुल भ्रम फैलाना है। गत कितने ही वर्षों से कांग्रेस का एक ही नारा रहा, घोटाला घोटाला घोटाला, खुद करते हैं और दूसरे को भाजपा को बदनाम करते हैं। तो बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर घोटाले का आरोप। देखिए आप बहुत सारे आम लोग भी है इनसे भी आम लोगों को भी आप बताइए क्या करेरा के विकास को लेकर। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान ने जो फुटपाथ ठेले वालों के लिए 10 रुपए माफ कर दिए थे, जो घोटाले वाली बात चल रही है, आज भी नगर पालिका के 10 रुपए पैसे उगा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने माफ कर दिए। अभी जो अपने अध्यक्ष साहब बैठे हैं, उपाध्यक्ष साहब बैठे हुए, घोटाले का नाम आया तो भारतीय जनता पार्टी तालियां और जय जयकारे लगा रहे थे। ये घोटालों के नाम पे जय जयकारे लगते। अभी 4 महीना पहले यहाँ करेरा की नगर पालिका में 54 लाख का कुटी घोटाला हुआ, उसको एक ऑपरेटर को जब घोटाला हो जागर हुआ तो एक ऑपरेटर को जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसको दोषी मान के उसकी नौकरी खा गए, लेकिन उसमें जुम्मेवार अधिकारी और कर्मचारी किसी को नहीं लिया गया। ये 54 लाख का घोटाला कहाँ गया? घोटाला हुआ, छोटों पर गाज गिरा दी, बड़ों पर कुछ नहीं हुआ, ये क्या? ये तो गलत है। जिस तरह से कांग्रेस के लोग हमारी जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, इस कांग्रेस पार्टी में जो उपचुनाव हुआ था उस चुनाव में मैं यहाँ की ब्लॉक अध्यक्ष थी कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस का रवैया खराब होने के कारण मैंने इस्तीफा दिया इस कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस में इतना भ्रष्टाचार है इसका कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस में आरोप ये आरोप लगा रहे हैं कि काम हम कराते हैं, जबकि इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम कांग्रेस ने कराया। पुराना चाहे मणिखेड़ा डैम देख लो, चाहे मोहिनी डैम देख लो, चाहे यहाँ का उसका ये लोग इस्तीफा देकर और सुनो, और मणिखेड़ा डैम हमने बनवाया, मणिखेड़ा डैम का नाम अटल सागर रख रहे हैं, तो सिरे कौन ले रहा है? काम हम करवाते हैं और सिरे ये ले रहे हैं। काम की हमारे माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय केंद्रीय नेतृत्व, जमीन से लेकर आसमान तक भारत देश का नाम ऊंचा किया। ये हमारे कांग्रेस के मित्र के विकास की बात कर रहा है, जमीन से लेकर बैठ जाइए आप खड़े हो। कई काम किए हैं भाजपा ने, नहीं कुछ नहीं किया 75 साल की आजादी में जो कांग्रेस ने करके दिखाया वो बीजेपी ने। इनका कहना कि कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप लोगों को विधायक ने छोड़ दिया, दूसरे लोगों ने छोड़ दिया। नहीं बीजेपी के लोग छोड़ेंगे, वो देख रहे हैं वो सारी चीजें, बीजेपी का भ्रष्टाचार देख करके यार बात करें तो 40 नेता भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के कांग्रेस में आ गए हैं, जिनकी आस्था नहीं है वो जा सकते हैं। अब इन्हें छोड़ने की जिनको जो अपने स्वार्थ के लिए भाजपा छोड़ सकते हैं वो जा सकते हैं, स्वार्थ के लिए तो सिंधिया जी ने स्वार्थ के लिए आपके नेता स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़कर दूसरे नेताओं को आप ला रहे हैं, स्वार्थ के लिए आपकी पार्टियों में आ रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। स्वार्थ के लिए कांग्रेस की नीतियां इतनी गलत हैं, उनसे त्रस्त होके लोग कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त होके लोग भाजपा में आ रहे हैं। भाजपा के लोग छोड़ के नहीं जा रहे, जो कांग्रेस से लोग आए थे अपने स्वार्थ के प्रति भाजपा में, वो लोग वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। बाकी कांग्रेस का आप ही बताइए करेरा को लेकर क्या कहेंगे आप? एक मिनट, ये एक दूसरे के पूरक है भ्रष्टाचार में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक सिक्का बिना भ्रष्टाचार के नहीं चलेगा। एलम ब्लीचिंग का पैसा खप गया, कागजों में डल गई, यहाँ अभी कंडीशन जे स्थिति है 20% कमीशन जे नगर पंचायत अध्यक्ष ले रहा है, कौन खा रहा है 20%? ठेकेदार काम छोड़ के भाग रहा है। स्वच्छता अभियान पे अभी 2.5 लाख रुपए निकला है यहाँ से, और अभी देखो आप सर्वे में एक दूसरे के पूरक हैं, भ्रष्टाचार में दोनों पार्टियां सम्मिलित हैं, एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं, एक दूसरे के पूरक है। आरोप आप पर भी है कि आप भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, कांग्रेस भी बढ़ावा दे रहे हैं। सबका साथ सबका विश्वास
विकास भाजपा ने वो काम किया है, चीन चीन के कोई काम नहीं करती, सबको एक समान देख के काम करती है, सबको कितनी खुशी रहती है। नगर पंचायत में जाके देखे कि सबसे ज्यादा खुशी है। ऐसी कोई सी बहना नहीं है जिसने लाडली बहना का लाभ ना उठाया हो, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाडली बहना का लाभ ले रहे हैं कांग्रेस? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई के खाते में चार लाडली बहना का जो काम है ये बिल्कुल फर्जी है। शिवराज सरकार केवल और केवल झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने 1000 रुपए की बात की, उन्होंने 4.5 आप लाभ लेती है? बिल्कुल भी नहीं लिया, कुछ काम भी नहीं किया, हमें कोई मतलब नहीं है लाडली बहना का। अपनी नारी सम्मान योजना को जिंदाबाद। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ, जो युवाओं के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक मिनट कांग्रेस के विधायक ने केवल प्रतीक्षालय बनवाए और बकाया कोई काम नहीं किया है। केवल प्रतीक्षालय मात्र प्रतीक्षालय और कोई काम नहीं। इन्होंने क्या किया कि 25 साल से इनका जो ये कहते हैं तीन बार विधायक बना इन्होंने क्या किया? काम का जवाब ले लेते नहीं नहीं ये ऐसे के वो चल रहा मंडी बनवानी है ये लोग, इनकी सरकार है तो मंडी बनवाना। भारतीय जनता पार्टी का लगातार नगर पालिका अध्यक्ष लगातार बनते आ रहा है, ये सब्जी मंडी का काम। ठेले में आप लोगों ने अड़चन लगाई थी? नहीं, हमने कोई अड़चन नहीं लगाई थी, क्योंकि उन्हें बिना व्यवस्था के सभी लोग क्या लगता है? एक सवाल है दोनों लोगों से, करेरा के अंदर ना तो कोई ग्राउंड है ना कोई पार्क है, चिकित्सालय में महिला डॉक्टर नहीं है, जो सबसे बड़ी बीजेपी कांग्रेस से पूछने वाला सवाल है। ना कोई पार्क है, ना कोई खेल मैदान है, बच्चों के लिए स्कूल की भी स्थितियां खराब है, कॉलेज की भी स्थितियां खराब है, क्यों नहीं? हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 20 साल से, हमारे विधायक लगातार 15 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकार रोड़ा डाल देती है, जिससे हमारा दूसरा हमारे जो ये हमारी पार्टी को छोड़ के गए हैं, अगर उन्होंने काम किया होगा। आपके सरकार ने एक पार्क नहीं बनवाया, एक ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। आपको बताओ, कांग्रेस का विधायक था यहाँ पर, कांग्रेस के विधायक ने कुछ नहीं किया। हमारे जहाँ शिवराज सिंह चौहान जी जो कर रहे हैं, जन्म से लेके बच्ची जब बच्ची पेट में आती है उससे लेके जन्म तक से लेके शादी तक उसकी बुढ़ापे 60 साल तक की पेंशन देते हैं और घर घर विकास। तो करेरा से आपने देखा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, जनता ने भी विकास के सवाल किए हैं, 3 बार लगातार।